हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रागनी सिलाई डिजाइनर। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ पंजाबी पटियाला सलवार की सिलाई। चलिए दोस्तों, इसकी सिलाई कैसे होती है और इसमें कैसे प्लेट बैठाते हैं तो हम आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग इसकी कटिंग नहीं देखी होगी तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग बता चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इसकी स्टिचिंग करके बता देती हूँ। ये मेरी मोहरी वाला पार्ट है और ये मेरी जो कली है इसको पहले हम ऐड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास चार कली है तो हम चारों कलियों को बता देते हैं कैसे ऐड इसमें करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो मैंने दो पार्ट सीधा मैं कट की हूँ मोहरी के लिए, इसको पहले हम एक पार्ट ले लेंगे और इसमें एक साइड से ये दोनों तरफ मैं दो कली इसमें ऐड करूंगी। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा छोटा भाग है ये बाहर रहेगा और ये जो लंबा वाला भाग है इसको हम ऐसे इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसको ऐड करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं चारों कलियाँ इसमें ऐड कर लूँगी। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं सिलाई से जो भी जुड़ी बातें बताऊंगी आप लोगों को पास सबसे पहले पहुंचेगा तो आप लोग देख सकेंगे मेरे वीडियो को और सीख भी पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसमें चारों के लिए ऐड करेंगे। इसमें दो और ये दूसरा पार्ट है उसमें भी दो। तो देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को पंजाबी पटियाला सलवार की सिलाई। देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों पार्ट को ऐसे ऐड कर ली हूँ, देख लीजिए। अब हमको इसमें प्लेट लगानी है तो हम प्लेट डालकर दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग को बेल्ट रेडी करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बेल्ट रेडी कर ली हूँ। ये मेरी बेल्ट में पॉकेट लगाई हूँ। अगर आप लोगों को पॉकेट लगाने नहीं आती होगी तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही आसान तरीके से सलवार में पॉकेट लगाने की तरीका बताई हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें प्लेट जो हमको लगानी है तो चलिए हम इसमें प्लेट लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखते रहिए दोस्तों। Thank you.
देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये मेरी यहाँ तक सलवार की काम कंप्लीट हो चुकी है। देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब हमको दोस्तों इसमें मुहरी बनानी है, तो हम इसकी पोछा बनाकर दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब मैं इसमें पोछा लगाऊंगी, तो देखिए दोस्तों मैं पोछा बनाकर दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों हमको पोछा बनानी है, तो पहले हमें ऐसे कपड़े में ऐसे जो मेरे पास बुकरम होता है उसको इस पे सिलाई लगा के इसको ऐड कर लेनी है। उसके बाद मैं इस पे ऐसे रखूंगी बराबर में करते हुए और इस पे एक सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे पोछा बनाती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका बनाने की। तो देखते रहिए दोस्तों। पोछा बना के रेडी कर ली हूँ। आप लोग भी इसी तरह पोछा बना सकते हैं, इस पर डिजाइन भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको बंद करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों ये मेरी पंजाबी पटियाला सलवार बन के रेडी हो चुकी है। देख लीजिए कितना अच्छा ये मेरी चुनट आगे की तरफ है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पंजाबी सलवार की स्टिचिंग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है पहनने के बाद। देखिए दोस्तों ये मेरी पोछा भी बहुत ही खूबसूरत बन गया है, ब्यूटीफुल लग रहा है ये मेरी पंजाबी पटियाला सलवार की स्टिचिंग। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बता सकूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।